वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉवल मिसेस डैलोवे। ये लिखा गया है एडेलाइन वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 में इंग्लैंड में और इनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1941 में इंग्लैंड में। अब नॉवल की स्टोरी की बात करें तो इसका जो प्लॉट है वो इतना वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इसमें दो अलग अलग स्टोरीज़ को जोड़ दिया गया है। पहली जो स्टोरी है वो है मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट और जो दूसरी स्टोरी है वो है द प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों को जोड़कर मिसेस डैलोवे को बनाया गया है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल में फेमस स्टाइल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है, जिसको ओरिजिनली कॉइन किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। इस टर्म को यूज़ करके उसने दो बेमेल स्टोरीज़ को जोड़ा है और जब हम नॉवल को पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि क्लैरिसा कब लवर पीटर के बारे में सोचती है और कब वो अपनी पार्टी की प्रिपरेशन करती है। मतलब एक दिन की स्टोरी में ऐसे ही घटनाओं का वर्णन किया है, क्योंकि जब हम कोई प्ले या मूवी एक्सेट्रा देखते हैं तो उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ पास्ट में चल रही है, कौन सी प्रेजेंट में। फ्लैशबैक में ले जाकर दिखा दिया जाता है। लेकिन जब हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो इसका ताना बाना या फॉर्म कुछ इस प्रकार का है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्लैरिसा कब किस बारे में सोच रही है, पास्ट की बातों के बारे में या प्रेजेंट की बातें चल रही हैं। मिसेस डैलोवे को पब्लिश कराया गया था 1925 में। अब देख लेते हैं मिसेस डैलोवे की समरी। समरी में इतना खास कुछ है नहीं, दो सिंपल स्टोरीज़ को जोड़ दिया गया है जिनका एक दूसरे से ज़्यादा लेना देना नहीं है। समरी को डिस्कस करते समय हम सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो वन लीनियर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो हम समरी ख़त्म होने के बाद में देखेंगे। तो देखते हैं इस नोवेल की समरी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वन डे स्टोरी है, जो कुछ भी घटना घटी है ये एक दिन की घटना है और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट हैं या मेन है वो है मिसेस डैलोवे क्लैरिसा, जो कि 52 ईयर ओल्ड लेडी हैं, हाउसवाइफ हैं। इनके हस्बैंड हैं रिचर्ड डैलोवे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है और इनकी बेटी है एलिजाबेथ 17 ईयर्स ओल्ड। अब क्लैरिसा जो है उसने घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो फ्लावर परचेज करने शॉप पर चली जाती है। इसकी कुछ प्लानिंग्स भी है ड्रेसेस को लेकर कि ये ग्रीन कलर की ड्रेस पहनेगी पार्टी में, मतलब इसने प्रिपरेशन चालू कर रखी है। इसके बाद जब क्लैरिसा घर आती है तो पीटर वॉश नामक व्यक्ति इससे मिलने आता है। ये इसका पुराना लवर था और सालों बाद इन लोगों की मुलाकात हुई है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ क्लैरिसा कुछ पीटर की लाइफ कैसी चल रही है और कैसी नहीं। इसके बाद क्लैरिसा की 17 साल की बेटी जो है एलिजाबेथ आ जाती है और पीटर वॉश वहाँ से चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस नॉवल में दो स्टोरीज को जोड़ा गया है, तो अब हम दूसरी स्टोरी की बात कर लेते हैं। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ नामक व्यक्ति है एक, जो कि वॉर में सोल्जर रह चुका है। इसका एक फ्रेंड था इवांस, जिसकी वॉर में डेथ हुई है और इवांस की जो डेथ हुई है उसका बहुत बुरा असर सेप्टिमस के माइंड पर पड़ा है। वो मेंटली इल हो चुका है और उसको हर जगह इवांस नजर आता है। हालांकि उसे पहले पोइट्री लिखने का शौक था, शेक्सपियर के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अब ये सारे शौक धरे के धरे रह गए हैं और उसे किसी भी आर्ट की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उसे शेल शॉक नामक एक बीमारी है जिसमें उसे हर जगह अपना फ्रेंड ही दिखाई देता है। अब जो सेप्टिमस है वो पार्क में बैठा हुआ है अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया के साथ और दोनों एक डॉक्टर का वेट कर रहे हैं जिसका नाम है सर विलियम ब्रेडशॉ। ये एक फेमस साइकेट्रिस्ट हैं जो सेप्टिमस की हालत देखते हैं, चेकअप करते हैं और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजने को कह देते हैं। इसके बाद सेप्टिमस और ल्यूक्रेजिया अपने अपार्टमेंट में या फिर घर पर जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पर वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं सेप्टिमस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। सेप्टिमस इन लोगों को देखकर डर जाता है और इन सभी डॉक्टर्स में और लोगों में एक डॉक्टर होम्स भी होता है। सेप्टिमस ने जो ऑब्जर्व किया था उसके थ्रू उसको लगता था कि ये जो डॉक्टर होम्स है वो ठीक नहीं है और ये ज़रूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो खिड़की से कूद जाता है और मर जाता है। अब हमारी पहली वाली स्टोरी पर वापस आते हैं, जिसमें क्लैरिसा के घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी होती है उसने। वहाँ पर सर विलियम ब्रैडशॉ भी पहुँचते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने सेप्टिमस को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए एडवाइस किया था।
वो सबको सेप्टिमस की डेथ के बारे में बता देते हैं। इस बात को सुनकर क्लैरिसा दुखी होकर अकेली रूम में चली जाती है और थोड़ी देर वो सेप्टिमस के बारे में सोचती है, उसकी लाइफ के बारे में, कैसी उसने परेशानी देखी थी उन चीज़ों के बारे में, और सब कुछ सोचने के बाद वो वापस पार्टी में आ जाती है। मतलब अपना पूरा सौरव या दुख व्यक्त कर लेती है अकेले में और फिर पार्टी में आ जाती है। तो ये थी नोवेल की शॉर्ट समरी। अब इसमें थीम की बात करूँ मैं तो टाइम एंड सेकुलर लिविंग को दिखाया गया है, मेंटल इलनेस को दिखाया गया है और फेमिनिस्ट को भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं कुछ लीस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो डेरिस किलमैन जो है वो एलिजाबेथ की इतिहास के शिक्षक हैं। ना तो ये क्लैरिसा को पसंद करती हैं ना क्लैरिसा इनको पसंद करती हैं, लेकिन जो उनकी डॉटर है एलिजाबेथ और डेरिस किलमैन के बीच बॉन्डिंग अच्छी है। सैली सेटन क्लैरिसा की पुरानी फीमेल फ्रेंड है जो उसके प्रति फीमेल होकर भी अट्रैक्शन रखा करती थी। हॉक वाइटब्रेड क्लैरिसा के पुराने फ्रेंड हैं। लेडी ब्रूटन है जिनके साथ रिचर्ड टी पार्टी पर जाते हैं। मिस हेलेना पैरी क्लैरिसा की ओल्ड आंट हैं। ल्यूसी क्लैरिसा की प्रिंसिपल सर्वेंट है और मिस वॉकर उनकी अनदर या दूसरी सर्वेंट है। मिस पिम वो वूमेन है जो बॉन्ड स्ट्रीट पर फ्लावर का काम किया करती थी। तो ये थी नोवेल की समरी जिसमें एवरी सीन क्लोजली ट्रैक करता है पर्टिकुलर कैरेक्टर के मोमेंट्री थॉट्स को। मतलब प्रत्येक दृश्य किसी विशेष चरित्र के क्षणिक विचारों का बारीकी से ट्रैक करता है। और वुल्फ ने इस नोवेल में डिफरेंस को ब्लर कर दिया है या धुंधला कर दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।